कटनी से आपकी अपनी आवाज पुलिस वाला राष्ट्रीय न्यूज जिला रिपोर्टर जितेंद्र मिश्रा की खास जमीनी रिपोर्ट। मामला कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी में बसे गांव सागोना का है, जो कि इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मामला जमीनी विवाद को लेकर है। ग्रामीणों ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे को हटाने और पूर्व पदस्थ थाना प्रभारी को फिर से वापस ढीमरखेड़ा थाना बुलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ऐसा न करने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी, जिसे लेकर आनन फानन में ही SDM सपना त्रिपाठी की अगुवाई वाली टीम ने, जिसमें SDOP प्रमोद सारस्वत भी अपने पुलिस टीम के साथ शामिल थे, ग्रामीणों से एक एक कर उनकी बात सुनी और उन्हें महज 15 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया और ग्रामीणों को आत्मदाह नहीं करने की हिदायत भी दी। थाना प्रभारी के दोबारा वापसी को लेकर SDOP ने कहा कि उनके और भू माफिया के वायरल ऑडियो के संबंध में टीम बनाकर जांच की जा रही है। जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो जाती है, कार्यवाही की जाएगी। कुछ जमीन का विवाद चल रहा है, इसमें आत्मदाह तक की बात पहुंच गई है, इसमें आपका कहना क्या है? ये अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ पर जो ज़मीन का विवाद है उसमें शासकीय ज़मीन होने की बात आ रही है, लेकिन 89 के बाद यह भू स्वामित्व में दिख रही है। 89 के पहले का जो रिकॉर्ड है वो जिला स्तर से इसकी जांच हम करवा रहे हैं। SLR के नेतृत्व में टीम गठित की जा रही है। यदि यह ज़मीन सरकारी है तो सरकारी ही रहेगी और इसको शासकीय मद में ही दर्ज किया जाएगा। आत्मदाह के लिए आपने इनको समझाई दिया? हाँ, सभी को आश्वासन दिया है कि यह कदम सही नहीं है और शासन की कार्रवाई पर भरोसा रखें और जो सच है और सही है वही होगा और न्याय होगा इनके साथ। थैंक यू। आप लोग शांत रहिए, तब तक कोई चिंता करने की बात नहीं। TIN के पांडे के लिए क्या बोले? TIN के पांडे जी के बारे में हमने बात की है कि वो यहाँ पर हमारे थाना में चाहिए ढीमरखेड़ा में, क्योंकि उनने गरीबों का साथ दिया कागजांच को समझ करके और उनने आदिवासियों का साथ दिया। लड़ाई जो लड़ रहे थे सही लड़ाई लड़ रहे। जिस प्रकार से मैडम ने बोला कि 15 दिनों के अंदर इसका निराकरण किया जाएगा, यदि 15 दिन के अंदर निराकरण नहीं किया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? जैसा कि हमने सभी ग्रामवासियों ने मैडम से भी बात करने के बाद हमने कहा था कि यदि 15 दिन के बाद निराकरण नहीं होता, प्रशासन उस भूमि को शासकीय भूमि साबित नहीं कर पाती, तो हम पुनः यही कदम उठाएंगे और इस बार इसी भूमि पर जो है चिता जला करके आत्मदाह करने का निर्णय लिए। ठीक, कुछ कर्मचारी आए हुए थे जिले से, उनका क्या आश्वासन देना? ये भूमि विवाद को लेकर के हमारे ग्राम में जो विवाद हुआ था उस सिलसिले में ग्रामवासी हम सभी लोगों ने आत्मदाह करने का जो है निर्णय लिए थे, तो इस मौके पर हमारे बीच तहसीलदार मैडम, SDM मैडम और हमारे सलीमनाबाद प्रभारी थाना प्रभारी जी आए और हमें यहाँ पर जो है तो समझौता हमारे बीच में कराए कि जो सही है, अगर सही है जो, अगर वो पहले नवासी के पहले सास की भूमि थी तो वो सास की भूमि ही और बिगड़ गई है करा दी जाएगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा, आप लोग शांत रहिए। तब उस पर क्या कहना? इससे पहले हमको ज्ञान नहीं था, अभी तक हमारे SDM साहब को खड़क साहब और SP साहब ने भेजा, हम सब सिलसिले में यहाँ आए हैं। हमको बताया गया कि 88 नवासी का जो हमारा रिकॉर्ड है उस बंदोबस्त के समय जो रिकॉर्ड के आधार पर जो रजिस्ट्रियाँ और जो कार्रवाइयाँ जो पट्टे हुए हैं वो हुए हैं। आज आपके गाँववासियों द्वारा बताया गया कि 1988 के पूर्व का इनके पास रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में ये सभी ज़मीन जो है 35 एकड़ शासकीय ज़मीन थी। अभी SDM मैडम ने और हमने SDM मैडम ने अभी आश्वासन दिया है कि हम जिला के SLR के नेतृत्व में एक टीम बनाएंगे और बंदोबस्त कार्यालय से उसकी पूरी जाँच कराकर यदि वो सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ही घोषित की जाएगी। एक तो पहली कि TIN के पांडे का लाइन अटैच हुआ है तो उनकी वापसी के लिए क्या संकेत है आपकी? ऐसा है, उसमें कुछ ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो की जांच SP साहब ने मुझे दी है और आज उसी जांच के सिलसिले में मैं यहाँ गांव में भी आया, अभी थाने भी जा रहा हूँ। जांच पूरी होने पर जो सही कार्रवाई होगी वही होगी और निश्चित रूप से वापसी आएंगे। ज़मीन संबंधित भी दिया था कि शासकीय ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं ने पट्टा बनवा कर रजिस्ट्री करवा दिया, उस पर क्या कहना? इससे पहले हमको ज्ञान नहीं था, अभी तक हमारे